मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे? दिस इज माय ओल्ड शेडिंग टेक्निक वीडियो, दैट इज़ आई एम री अपलोडिंग विथ हिंदी नरेशन। ये मेरा पुराना शेडिंग टेक्निक का वीडियो है जिसे मैं हिंदी नरेशन के साथ री अपलोड कर रही हूँ। पहले के ज़माने में ज़्यादातर औरतें और लड़कियां शुभ प्रसंगों पर मेहंदी लगाया करती थी और बहुत कम ओकेजन्स ऐसे होते थे जहाँ पर लड़के भी मेहंदी लगाते थे। लेकिन आज मॉडर्न ज़माने में मेहंदी एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। वो सिर्फ एक रीजन या कल्चर या कोई रिलीजन बॉर्डर में नहीं रही है, लेकिन वो पूरे दुनिया में अब बहुत मशहूर हो चुकी है और एक आर्टिस्टिक फॉर्म का उसने एक आर्टिस्टिक फॉर्म उसने ले लिया है। बहुत सारी आर्टिस्टिक टेक्निक उसके साथ इन्वॉल्व हो चुकी है, जैसे कि पोर्ट्रेट मेहंदी हो चुकी है, शेडिंग हो रही है, 3D मेहंदी हो रही है, कलर ग्लिटर, बहुत सारी वैरायटी मेहंदी आर्ट के साथ जुड़ चुकी है। जिस तरह से शेडिंग स्केचिंग और पोर्ट्रेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह अब शेडिंग मेहंदी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है। तो इस मॉडर्न हेना आर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देने के बाद मैं आज का जो हमारा वीडियो जिस टॉपिक पे है उसकी जानकारी देना शुरू करूँगी। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो शेडिंग मैं भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि जो बात मैं सीख रही हूँ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो कुछ टेक्निक में आपको खूबी भी लगे, खामियाँ भी लगे, तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। मेरे नए वीडियो है इस बात को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको भी देखना मत भूलिएगा। जो सबसे पहली टेक्निक है वो है स्ट्रोक की टेक्निक है। इस टेक्निक के लिए हम क्या करते हैं, एक मोटी सी लाइन हम बनाते हैं और उस लाइन के अंदर से अगर हम टॉप से बॉटम स्ट्रोक्स कर रहे हैं तो उस लाइन के अंदर से हम सिर्फ लाइन खींचते हैं। हम कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, कोन का हम बिल्कुल इस्तेमाल यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे, कोन से हम सिर्फ वो मोटी लाइन से स्ट्रोक बनाते हैं। इस तरह की स्ट्रोक शेडिंग हम ज़्यादातर फ्लावर्स में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको यही तरह की शेडिंग बॉटम से टॉप चाहिए तो पूरी प्रोसेस आप रिवर्स में करोगे। ये शेडिंग की सबसे इजी टेक्निक है और हम सबसे ज़्यादा इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम मोटी लाइन बनाते हैं और उस लाइन में से पतली वाली लाइन को स्ट्रोक करते हैं। तो ये एक शेडिंग की टेक्निक है। अब जो दूसरी टेक्निक है वो है स्वर्ल शेडिंग। यहाँ पे हम कोन के ऊपर बहुत ही कम प्रेशर रखेंगे और स्वर्ल जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से हम कोन को चलाएंगे। अब आपका प्रेशर जितना कम या ज़्यादा होगा उस तरह से आपको ये शेडिंग मिलेगी। अगर आपको बहुत ही लाइट शेडिंग चाहिए तो प्रेशर एकदम कम होगा आपका कोन के ऊपर, तो ये टेक्निक के अंदर आपका कोन के ऊपर प्रेशर बना रहे प्रॉपरली जिस तरह की आपको शेडिंग चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की टेक्निक आपने मुझे बहुत बार इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। ज़्यादातर जब मैं फिगर ड्राइंग करती हूँ तो उनके कपड़े बनाने के लिए, जो फिगर के कपड़े बनाने के लिए वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह की शेडिंग का उपयोग आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो हम फिलर एलिमेंट करते हैं उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो एक बार आपका प्रेशर कंट्रोल परफेक्ट हो जाए कोन के ऊपर, फिर इस तरह की शेडिंग करना बहुत ही आसान है। अब जो ये तीसरे प्रकार की शेडिंग है वो स्वर्ल शेडिंग से बहुत ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हम कोन स्वर्ल डायरेक्शन में नहीं चलाएंगे, स्वर्ल की तरह नहीं चलाएंगे, लेकिन स्ट्रोक की तरह चलाएंगे। और यहाँ पे भी कोन के ऊपर प्रेशर कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की शेडिंग का उपयोग हम जब फिगर ड्राइंग करते हैं, जैसे पोर्ट्रेट मेहंदी होती है या फिगर ड्राइंग होती है, तो उसके अंदर जैसे हम स्केच में शेडिंग करते हैं डेप्थ लाने के लिए, उसी तरह से डेप्थ लाने के लिए इस तरह की शेडिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोन हम स्ट्रोक में चलाएंगे और जिस तरह का आपको शेडिंग चाहिए उतने ही प्रमाण में आपका कोन के ऊपर प्रेशर बना रहेगा।
अब जो ये टेक्निक है उसे हम स्टिपलिंग बोलते हैं, और आप लोगों ने इस तरह की स्टिपलिंग खलीजी मेहंदी में बहुत बार देखी हो कि इस स्टिपलिंग में जब आपको ज़्यादा क्लस्टर में आप उसको यूज़ करते हैं तो वो डेप्थ देता है, और जैसे आप उसका क्लस्टर कम मात्रा में यूज़ करते हो, आप स्पार्सली यूज़ करते हो, तो वो उसको एक ग्रेडिएंट इफ़ेक्ट भी देता है। आप देख सकते हो जिस तरह से मैं पिकॉक ड्राइंग में स्टिपलिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो पिकॉक ऑटोमेटिकली इतना खूबसूरत लगने लगा है स्टिपलिंग के साथ। तो इस स्टिपलिंग का उपयोग आप खलीजी मेहंदी में भी कर सकते हो, फिगर ड्राइंग में भी कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कोई फिलर एलिमेंट इस तरह का लेयर्ड करना हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। ये सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स ही हैं। अब ये जो सारे शेडिंग टेक्निक मैंने आपको बताई वो सब बेसिक टेक्निक है। अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ एडवांस टेक्निक है जो मैं खुद भी सीख रही हूँ। अब ये एडवांस टेक्निक में जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है वो उसमें हम लोग ईयरबड्स जो होते हैं क्यूटिप उसका इस्तेमाल करेंगे और पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे हमें शेडिंग करनी होगी वहाँ पे हम थोड़ी सी मेहंदी लगा देंगे, फिर गीले क्यूटिप से हम उसको शेडिंग करना शुरू करेंगे। आपको जिस मात्रा में वहाँ पे शेडिंग चाहिए उसी तरह से आप वहाँ पे क्यूटिप को डैप डैप करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्यूटिप को बहुत गीला नहीं करना है। मैं एक सलाह दूंगी कि आप इस टेक्निक का उपयोग हो सके तो अपने हाथों पे, या तो आप पेपर पे कर सकते हो। एक्रिलिक बोर्ड पे ये टेक्निक इतना काम नहीं करेगी क्योंकि एक्रिलिक बोर्ड है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और इसके लिए आप स्किन और पेपर पे करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि हमारी स्किन और पेपर पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इसीलिए ये टेक्निक आपको ज़्यादा वहीं पर खूबसूरत लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मुझे इतनी महारत ही उसमें ये टेक्निक में हासिल नहीं हुई है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं इस टेक्निक को सीख रही हूँ, लेकिन मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है ये टेक्निक को, और ये टेक्निक के लिए पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है परफेक्शन लाने के लिए भी। दूसरे जो शेडिंग टेक्निक मैंने आपको बताई उसमें थोड़ी ग्रेनी इफ़ेक्ट आपको मिलती है, लेकिन इस टेक्निक से बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग मिलता है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब जो ये लास्ट टेक्निक जो है वो मेरी सबसे फेवरेट है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि मेहंदी को पेंट की तरह थोड़ा बहुत ज़्यादा गीला करते हैं और पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, और पेंट ब्रश से हम इसको, जैसे हम टू टोन मेहंदी करते हैं तो फर्स्ट लेयर जैसे हम कैनवास पे कोई भी कलर का बैकग्राउंड करते हैं उसी तरह से हम मेहंदी का लेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं। अब मेहंदी में हम जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना उसका कम कलर आएगा, तो हम मेहंदी को उतना ही डाइल्यूट करेंगे जितना हमें कलर हमारी स्किन के ऊपर चाहिए। उसको ध्यान में रख के हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस डाइल्यूटेड मेहंदी पेस्ट से एक बैंड बनाया है, और फिर उस बैंड के ऊपर जब वो थोड़ा सूख गया उसके ऊपर मैंने बोल्ड डिज़ाइन का क्रिएशन किया है। जब मैंने पेस्ट निकाली तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था, तब मुझे लगा था कि शायद ये टेक्निक काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे इसका स्टेन डेवलप होता गया ये इतना खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि जो डाइल्यूटेड हैना पेस्ट था उसका थोड़ा लाइट कलर था और इसके ऊपर जो मैंने बोल्ड डिज़ाइन बनाई उसका डार्क कलर था, तो बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्ट्रास्ट इसका बन रहा था। शायद मेरा कैमरा इस डिज़ाइन के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन जब इन प्रेजेंस वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब इन सारी शेडिंग टेक्निक का आप इस्तेमाल कैसे करोगे? आप चाहो तो इससे टू टोन मेहंदी आप क्रिएट कर सकते हो अपने हाथों पे, या तो शेडिंग टेक्निक को बेस लेयर के तौर पर इस्तेमाल करके उसके ऊपर
ऊपर अनदर बोल्ड डिज़ाइन आप ले कर सकते हो। इस तरह से भी आप इस शेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो कर सकते हो। आप फिलर एलिमेंट के तौर पर भी शेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम रिवर्स मेहंदी में करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मुझे आशा है कि इस टेक्निक का उपयोग करके आप बहुत ही खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइन बनाओगे, और ये वीडियो ये टेक्निक आपको कितनी हेल्पफुल लगी वो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, सी यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।